इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि रीड ओनली मेमोरी यानी कि रोम जो है वो किसे कहते हैं। रीड ओनली मेमोरी जैसे कि नाम से जाहिर है, ये वो मेमोरी होती है जिसके अंदर हम सिर्फ रीड कर सकते हैं लेकिन राइट नहीं कर सकते। इस तरह की जो मेमोरी है इसे हम रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। ये जो मेमोरी है जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, अगर आप कंप्यूटर को ओपन करेंगे तो आपको मदरबोर्ड पे इस तरह की चिप नजर आएगी। ये चिप दरअसल रोम होती है। ये मेमोरी जो होती है ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है और ये परमानेंटली डाटा को स्टोर करती है कंप्यूटर के अंदर। अब इसका जो मेन फंक्शन है, मेन जो इसका काम है वो क्या है कि इसके अंदर उस मशीन का बेसिक प्रोग्राम इंस्टॉल किया जाता है जिसको हम कहते हैं फर्मवेयर। इसके अंदर उस मशीन से मुतालिक बेसिक इंस्ट्रक्शन होती हैं जो कि हमें ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडोज़ को लोड करने में हमारी मदद करती हैं। यानी इस रोम के अंदर उस मशीन का बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसको हम बायोस कहते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है जो कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स को रीड करती है और उसको फर्दर प्रोसेस करती है। और ये जो बेसिक प्रोग्राम है ये उस वक्त इंस्टॉल कर दिया जाता है, ये फर्मवेयर उस वक्त इंस्टॉल किया जाता है जिस वक्त उस मशीन की मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है, जिस टाइम वो कंस्ट्रक्शन या इंडस्ट्री में जब वो बनाया जा रहा होता है तो तब हम उसके लिए एक रोम डिज़ाइन करते हैं। तो मशीन को स्टार्ट करने में ये बहुत ही अहम मेमोरी है जो कि उस मशीन को स्टार्ट करती है और उस प्रोसेस को बूटस्ट्रैप कहा जाता है। तो अब हमने इसका एक मकसद जान लिया है कि इस मेमोरी का क्या मकसद है। अब हम ये जानते हैं कि ये जो मेमोरी है जो कि एक नॉन वॉलेटाइल एक परमानेंट मेमोरी है, इस मेमोरी की कितनी टाइप्स होती हैं। तो सबसे जो पहली टाइप है इसकी वो है एम रोम, जिसको हम कहते हैं मास्क रोम। ये वो रोम है जो कि इस्तेमाल होती है कंप्यूटर्स में, जिसके अंदर जितना भी हमारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, जितने भी हमारे प्रोग्राम्स हैं, वो तमाम के तमाम जो हैं वो पहले से ही प्री प्रोग्राम्ड होते हैं और इसके अंदर इंस्टॉल कर दिए जाते हैं और फिर ये चिप जो है लगा दी जाती है अब मदरबोर्ड में। इस मेमोरी में जो मास्क रोम है, इस मेमोरी के अंदर जो है वो आप एक दफ़ा जब इंस्ट्रक्शन लिख देते हैं तो हम इसको इरेज नहीं कर सकते। यानी इसके अंदर जो है मेमोरी वो परमानेंट स्टोर हो जाती है, आप इसके अंदर मौजूद इंस्ट्रक्शन को मिटा नहीं सकते। और इसको जो है बनाया जाता है उस मशीन की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान और ये काफ़ी इनएक्सपेंसिव होती है, काफ़ी सस्ती होती है कंपेरेटिवली जो इसकी बाकी टाइप्स हैं। अब आते हैं इसकी नेक्स्ट टाइप जिसको हम पी रोम कहते हैं, जो कि पी स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। ऐसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि इस पिक्चर में एक शख्स इस चिप को खुद मदरबोर्ड पे जो है वो लगा रहा है। अब इसके अंदर इसका फ़ायदा ये है कि जब यूज़र ने रोम को ख़ुद इंस्टॉल करना हो या जब उसने रोम को ख़ुद डिज़ाइन करना हो यूज़र ने, तब इस रोम का इस्तेमाल किया जाता है। यानी इसको मॉडिफाई किया जा सकता है, यूज़र इसको मॉडिफाई कर सकता है। और इसको जब आप बाज़ार से अगर परचेज़ करें तो आप इसको ब्लैंक पी रोम जो है बिल्कुल जो एम्प्टी होती है, बिल्कुल खाली होती है, उसको आप मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं और इसको प्रोग्राम किया जाता है एक ही दफ़ा। और जब यूज़र इसको प्रोग्राम करता है अपने मकसद के लिए और फिर इसको जब एक दफ़ा ये प्रोग्राम हो जाए तो फिर इसको हम इरेज नहीं कर सकते। यानी एक दफ़ा इसके अंदर अगर आपने प्रोग्रामिंग कर ली है, इसके अंदर आपने इंस्ट्रक्शंस स्टोर कर दी हैं, अब हम उसको इरेज नहीं कर सकते। तो ये जो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है ये यूज़र के इस्तेमाल के लिए बहुत ही काम कारामद है। जब भी वो कोई और मशीन बना रहा हो या कोई अगर आपने कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो उस प्रोजेक्ट में इस रोम का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब चलते हैं इसकी नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप हमारे पास है जिसको हम कहते हैं ई पी रोम। ई पी का क्या मतलब है? इरेजिबल एंड प्रोग्रामेबल। यानी इसके अंदर यूज़र ख़ुद से प्रोग्रामिंग कर सकता है और उसको फिर इरेज भी किया जा सकता है। यानी एक दफ़ा अगर आपने इसके अंदर प्रोग्रामिंग कर ली है तब इसको इरेज भी किया जा सकता है। अब जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि एक रोम चिप जो है उसको किस तरह से उससे डाटा इरेज किया जा रहा है। अब हम इसको डिटेल में समझते हैं। इससे डाटा इरेज करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि इसको थोड़ी 40 मिनट्स के लिए अल्ट्रा वायलेट लाइट के आगे हम इसको रखते हैं। अल्ट्रा वायलेट लाइट क्या करती है कि इसमें मौजूद जितना भी चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज कर देती है और इसके अंदर जितना भी डाटा है उसको फॉर्मेट कर देती है, उसको रिमूव कर देती है। तो नॉर्मली क्या होता है, जब भी हम रोम में डाटा स्टोर करते हैं तो प्रोग्रामिंग के दौरान उसके अंदर एक इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है वो हम उसके अंदर ट्रैप कर देते हैं और उसको हम इंसुलेट कर देते हैं, उसको हम प्रोटेक्ट कर लेते हैं। तो उसका जो इंसुलेटेड गेट रीजन होता है वहाँ पे हमने क्या करना होता है कि उस
को क्लियर करके वहां से चार्ज को इरेज करना होता है. उसके लिए हमारे पास जो लाइट वेव इस्तेमाल होती हैं वो दरअसल अल्ट्रा वायलेट लाइट वेव्स हैं जो कि स्पेसिफिक वेव लेंथ पे काम करती हैं और इस इंसुलेटेड गेट रीजन को क्रॉस करते हुए उस इलेक्ट्रिकल चार्ज को इरेज कर देती हैं. तो इस तरह से ये मेमोरी जो है वो काम करती है. इसको हम ई पी रोम कहते हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में ये एक चिप है और उसमें से अल्ट्रा वायलेट रेज जो है वो पास की जा रही हैं. अब चलते हैं इसकी नेक्स्ट टाइप की तरफ. इसकी नेक्स्ट टाइप है जिसको हम कहते हैं EEEPROM. डबल ई का क्या मतलब है? इलेक्ट्रिकली इरेजिबल, यानी इस रोम को हम इरेज कर सकते हैं लेकिन इलेक्ट्रिकली यानी इलेक्ट्रिक करंट के जरिए, और फिर हम उसको अपनी मर्जी के मुताबिक प्रोग्राम कर सकते हैं. जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रैम जो हमारी एक चिप है, सेंट्रल चिप, इसको इलेक्ट्रिक करंट जो है इससे पास किया जा रहा है और इसमें मौजूद डेटा को जो है वो इरेज किया जा रहा है. तो इसको जो है प्रोग्राम भी किया जा सकता है और इसको इरेज किया जाता है इलेक्ट्रिकली. और किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन को हम सेलेक्ट कर सकते हैं इरेज करने के लिए और प्रोग्राम करने के लिए. तो ये हमारे पास जो है इसकी फोर्थ टाइप है. तो अब तक हमने इसकी चार टाइप्स पढ़ ली हैं. हम आखिर में ये जान लेते हैं कि रोम के क्या एडवांटेजेस हैं. इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसके अंदर इंफॉर्मेशन परमानेंटली स्टोर होती है, यानी एक्सीडेंटली इसके अंदर अगर कोई मशीन डैमेज होती है तो रोम में मौजूद डेटा महफूज रहता है. और प्राइस के हवाले से ये रैम से ज़्यादा सस्ती होती है. नॉन वोलेटाइल परमानेंट स्टोरेज है जो कि ज़्यादा अरसे तक आपकी इंफॉर्मेशन को स्टोर रखती है. इसके अंदर मशीन की बेसिक इंफॉर्मेशन स्टोर होती है जो कि ज़्यादा अरसे तक उसमें मौजूद रहती है. तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि रीड ऑनली मेमोरी यानी कि रोम किसे कहते हैं और इसकी कौन कौन सी मेन टाइप्स हैं.